नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश और आप देख रहे हैं गीक अच्छा है। दोस्तों, स्मार्टफोन हम सभी यूज करते हैं और हम सभी के स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलपर जो होते हैं वो पीरियोडिकली अपडेट्स भी रिलीज करते रहते हैं, पर हम में से कुछ लोग अपडेट्स को नहीं लेते। अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता है और वो सीधे डिसमिस कर देते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं, अपडेट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करते अपने स्मार्टफोन में। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्यों हमें स्मार्टफोन में अपडेट लेनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट लेनी चाहिए, क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। दोस्तों, अभी मार्केट में दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पॉपुलर हैं। पहला तो है iOS जो एप्पल डेवलप करता है। iOS के साथ अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस में अवेलेबल है और एप्पल साल में एक बार ही डिवाइसेस रिलीज करता है वेरियस साइजेस में। और एप्पल ये इंश्योर करते हैं कि अगले 5 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती रहे उनके डिवाइसेज में। एंड्रॉयड के केस में चीज़ें थोड़ी अलग हैं। गूगल ने इसे डेवलप किया है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कई सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सोर्स कोड में कई सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और एक सिंगल रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे आपका सारा सोर्स कोड सेलेक्ट कलेक्ट होता है आपके, एक सिंगल रिपोजिटरी बनाते हैं और इस रिपोजिटरी को एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एंड्रॉयड के केस में कोई भी आदमी उस सोर्स कोड को उठा के अपना कस्टमाइजेशन करके अपने स्मार्टफोन में डाल के उसे मार्केट में रिलीज कर सकता है। अभी ऐसे में फ्रैगमेंटेशन हो जाता है कि किसी ने एंड्रॉयड 6 के जमाने का सोर्स कोड उठाया था, किसी ने 7 के जमाने का सोर्स कोड उठाया था, किसी ने 8 के जमाने का सोर्स कोड उठाया और फिर अपडेट्स कभी रिलीज ही नहीं की। सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उससे दो चीजें मिलती है। पहला तो सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ, दूसरा आपको मिलता है फीचर अपडेट्स। सिक्योरिटी अपडेट्स दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि गूगल मंथली बेसिस पे सिक्योरिटी बुलेटिन रिलीज करता है। सिक्योरिटी बुलेटिन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सिक्योरिटी बुलेटिन के बारे में तो आप सीधे जाके गूगल के वेबसाइट पे उसे पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी बुलेटिन मंथली रिलीज करता है गूगल, मतलब जितने भी एक महीने में सिक्योरिटी लूपहोल्स पता चलते हैं उनके बारे में पैच लिखे जाते हैं, उनका कोड लिखा जाता है और उन्हें एक सिंगल बंडल बना के आपको सिक्योरिटी पैच की तरह रिलीज कर दिया जाता है मंथली बेसिस पे। फीचर अपडेट्स ज़्यादातर कुछ महीनों में, 3-4-5 महीनों में एक बार आते हैं, नए एंड्रॉयड मेजर रिविजन के साथ आते हैं, जब कोई एंड्रॉयड का नंबर चेंज होता है उस वक्त आते हैं या कोई मेंटेनेंस रिलीज आती है उस वक्त फीचर अपडेट्स आते हैं। फीचर अपडेट्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है नूगट का स्प्लिट स्क्रीन। आप एक ही स्क्रीन में दो ऐप्स एक साथ यूज कर सकते हैं नेटिव एंड्रॉयड में, स्टॉक एंड्रॉयड में। और मार्शमेलो में ये रन टाइम परमिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर था जो इंट्रोड्यूस किया गया था मार्शमेलो में। प्री मार्शमेलो एरा में आप क्या करते थे कि जब आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे तो इंस्टॉलेशन के वक्त पे ही आपको सारी परमिशंस अग्री करनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता था। पर मार्शमेलो में इंट्रोड्यूस किया गया रन टाइम परमिशंस को। अब आप जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त कोई भी परमिशन नहीं मांगी जाती है। जब आप एप्लीकेशन को पहली बार लॉन्च करते हो तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीज़ों की परमिशन मांगता है, जैसे उसे लोकेशन एक्सेस करना है तो लोकेशन एक्सेस के लिए परमिशन मांगी जाएगी। एक छोटा सा डायलॉग होगा जिसमें आपको अलाउ या डिनाई करना होगा लोकेशन एक्सेस, स्टोरेज एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, इस तरह की जितनी भी परमिशन होती है वो सब आप रन टाइम परमिशन के थ्रू अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। अपने स्वविवेक पे निर्भर करता है आपके कि आपको कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन नहीं देनी है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एंड्रॉयड के केस में मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देगा या नहीं देगा, तो ऐसे में कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। गूगल सबसे पहले आता है, वो 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट गारंटीड देते हैं अपने फोन के साथ। मैं नेक्सस यूजर हूँ और मुझे 3 साल तक मिला है सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। मुझे आज भी सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं अपने नेक्सस 6P में, तो मैं कहूँगा कि गूगल का एफर्ट बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे मैं MIUI को रखूंगा। Xiaomi ने MIUI डेवलप की थी, वो सॉफ्टवेयर से शुरू किया था उन्होंने और वो हार्डवेयर में आया और अभी भी उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। OnePlus तीसरे नंबर पे, उन्होंने साइनजन मोड से शुरू किया था, साइनजन मोड के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था और बाद में तो साइनजन मोड खैर बंद ही हो गया, लीनी जोस आ गया उसकी जगह। तो अब उन्होंने अपना खुद का ऑक्सीजन OS पैक करके देना शुरू कर दिया OnePlus के साथ। और यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो, मैं खुद तो पर्सनली OnePlus यूजर नहीं हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है OnePlus के साथ वो ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है लोगों का। नोकिया HMD ग्लोबल की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने नोकिया ब्रांडेड सारे फोन एंड्रॉइड 1 पे रिलीज किया। एंड्रॉइड 1 से ये बात इंश्योर हो जाती है कि गूगल खुद उसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिलीवर करेगा,
तो नेक्सस नियर नेक्सस लेवल नियर पिक्सल लेवल आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल सकता है एंड्रॉइड वन डिवाइसेस में। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगली बार मैं कैसे किस बात पे वीडियो बना सकता हूँ, मैं कैसे वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं रहना चाहता हूँ इस गेम में और मैं हर हफ्ते आपके साथ कोई ना कोई जानकारी लेके डिस्कशन शुरू करूँगा और हर हफ्ते एक वीडियो नई वीडियो आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट्स में एंगेज करिए मुझे प्लीज। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूट्यूब, मैं सीरियसली शुरू करना चाहता हूँ एंड आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।